तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि गाड़ी हो या टावर किरण हो या मोबाइल किरण हो या हाइवा हो या एक्टुएटर हो या डंपर हो, कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स, हर ये सब चीज़ों में केबिन में जो आते हैं एसी, वो एसी ऑपरेटरों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एसी से रिलेटेड जानकारी देंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप पूरी वीडियो को देखोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और सीख पाओगे कि किस रीज़न से एसी में हवा बराबर नहीं देता है और एसी में से गर्म हवा देता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की मेरा जो वीडियो होने वाला है वो जो एक्सीवेटर मशीन में एसी लगा हुआ रहता है और गाड़ियों में भी एसी आता है, तो ये वीडियो एसी से रिलेटेड है कि एसी अगर हवा अच्छे से नहीं दे रहा है तो क्या रीज़न से हवा नहीं दे पा रहा है, और अगर गर्म हवा दे रहा है तो क्या रीज़न से गर्म हवा दे रहा है। तो मतलब आज एसी की फुल इन्फॉर्मेशन, इस मशीन में जो एसी लगे हुए हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी ने अभी देख पा रहे होंगे कि काफ़ी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में एसी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आज की ये वीडियो एसी से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, ये अभी आप ये मशीन देख पा रहे हैं, ये L&T कामात्सु कंपनी का ये मशीन है और इस मशीन में जो एसी आते हैं वो 99% एक्सुएटर में इसी प्रकार के एसी आते हैं। सिर्फ होंडई में थोड़ा अलग दिया हुआ रहता है, होंडई में एक ही बटन दिया हुआ रहता है और तो चलो अभी इसकी बात करते हैं कि सबसे पहले हम आपको केबिन में दिखाते हैं कि इसमें अगर एसी को आप चालू कर रहे हैं तो एसी किस तरीके से चालू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम केबिन में आ चुके हैं और ये आप जो बटन देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नौ बटन है, ये सारे बटन एसी के हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एसी का बटन है तो कौन सी बटन क्या चीज़ काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा और मशीन को स्टार्ट हम कर लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन हो चुका है और ये मेरा मशीन स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बात है कि आप जब भी एसी चलाएं तो आप ऑटो में चलाएं। ऑटो में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर के हिसाब से कितना गर्मी है उस हिसाब से आपका एसी चलता है। तो इसको अभी हम ऑटो किए, आप देख सकते हैं ऑटो में चालू किए तो यहाँ पे 18 ठंडी 18 सेल्सियस में रखा है और ये इससे क्या होता है कि ये जो आप अगर बढ़ाओगे ज़्यादा करोगे तो ठंडा कम करेगा और एकदम पूरा ज़्यादा कर दोगे तो गर्म हवा देगा और ये 18 में ही रखना पड़ता है। ये 18 में रखोगे तो ठंडी आपको परफेक्ट देगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एसी फुल है क्या, कितना में है ऑटो में वो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे एसी फुल है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा रहेगा तो फुल एसी चलेगा ऑटो में और अगर गर्मी कम रहेगा तो जैसे जैसे आपको केबिन ठंडा करते जाएगा ऑटोमेटिक वो कम, ये एसी कम होता रहेगा। अगर गर्मी कम रहेगा तो एसी कम में चलेगा। तो ऑटो एसी का ये फ़ायदा है। अब दूसरी में बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका यहाँ पे एसी ऑन लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो ये एसी ऑन लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो एसी ऑफ हो गया, अगर एसी ऑफ हो जाएगा तो आपका ठंडा हवा नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे ओनली फैन चल रहा है, एसी आपका चल ही नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पे एसी ऑन भी रखना है, यहाँ पे एसी ऑन बताना चाहिए। अगर एसी ऑन नहीं बता रहा है तो आपको हवा ठंडा नहीं देगा उसके, तो ये बटन के भी कारण
यहाँ से भी गर्म हवा दे सकता है। यहाँ से दो रीज़न होते हैं गर्म हवा देने का। पहला कि आपका एसी ऑन है क्या नहीं, अगर एसी ऑन है तो यहाँ पे एसी ऑन बताएगा, और दूसरा आपका टेम्परेचर कितना है। अगर आपका टेम्परेचर अगर 25 से ऊपर में रहेगा तो गर्म हवा देगा, और अगर 23 से नीचे रहेगा, 18 में रहेगा, 19 में रहेगा तो ठंडा हवा देगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि हवा अगर कम दे रहा है तो क्या रीज़न से हवा कम देते हैं। फ्रेंड्स अगर हवा कम दे रहा है तो उसके भी कई रीज़न होते हैं हवा कम देने का। तो उसका पहला रीज़न जो होता है हवा कम देने का, हवा सही से बराबर ना देने का, तो पहला रीज़न होते हैं, आप यहां देख सकते हैं जस्ट सीट के पीछे आपको एक फ़िल्टर मिल जाएगा लगा हुआ, ये आप देख सकते हैं, ये हर मशीन में आते हैं। और फ्रेंड्स ये फ़िल्टर से तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना हवा कम नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत करता है। और अगर ये फ़िल्टर सही नहीं रहेगा तो क्या होता है कि अंदर में कचड़ा अंदर में जाके अगर जाम हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कतें आते हैं, हवा बराबर नहीं दे पाते हैं। और हवा जब सही से नहीं देंगे तो आपको कूल भी नहीं, अच्छा से ठंडा भी नहीं कर पाएगा। तो पहला रीज़न ये होता है कि आपको ये फ़िल्टर को बढ़िया रखना है, एकदम साफ़ सुथरा रखना है, ये फ़िल्टर को गंदा नहीं होने देना है ज़्यादा। तो पहला रीज़न ये होता है कि हवा कम दे रहा है तो। और दूसरा रीज़न जो फ्रेंड्स होते हैं वो दूसरा रीज़न यहाँ से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिजिटल बटन के साथ जितने भी आते हैं एसी सब में आपको यहाँ केबिन के नीचे, चाहे सनी मशीन हो या एलएनटी मशीन हो या कोई भी मशीन हो, यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर दिख जाएंगे। तो ये भी एसी के ही फ़िल्टर होते हैं। तो अभी इस फ़िल्टर के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये फ़िल्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार के हर मशीनों में लगे हुए रहते हैं, और आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर कितना जाम है, आप देख सकते हैं। तो ये फ़िल्टर भी अगर जाम रहेगा तो आपको हवा जो है परफेक्ट नहीं देगा, आपको हवा बराबर नहीं देगा। तो ये फ़िल्टर को आपको क्या करना है, झाड़ना है, या अगर ज़्यादा चल गया है तो ये फ़िल्टर को चेंज कर देना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना इसमें डस्ट बैठा हुआ था। तो ये फ़िल्टर को झाड़ लेना है अगर आपको हवा बराबर नहीं दे रहा है तो। ये फ्रेंड्स दूसरा रीज़न है, और भी कई रीज़न होते हैं, वो भी सारे रीज़न आपको बताएंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना इससे डस्ट निकला है। तो ये दूसरा रीज़न है, बस आपको इसी तरीके से झाड़ लेना है, और झाड़ के बस जिस तरीके से लगा हुआ था आपको इसको लगा लेना है। और ये फिल्टर लग चुका है। ये दूसरा रीज़न होते हैं हवा कम देने का, ये कम देने का, हवा कम देने का रीज़न था। अब फ्रेंड्स तीसरा रीज़न आपको हम बताते हैं जो कि इंजन से रहता है। तीसरा रीज़न आपको दिखा दे रहे हैं कि अगर हवा कम दे रहा है या गर्म दे रहा है तो। अब फ्रेंड्स डायरेक्ट बात करते हैं कि हवा अगर गर्म दे रहा है या गर्म दे रहा है तो किस रीज़न से हवा गर्म देते हैं, ठंडा नहीं कर रहा है तो क्या रीज़न से ठंडा नहीं कर पा रहा है, वो हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फैन बेल्ट के बगल में और एक बेल्ट लगा हुआ है, ये फ्रेंड्स एसी का बेल्ट है, ये एसी का बेल्ट है। और अगर ये एसी का बेल्ट अगर आपका लूज रहेगा तो आपको हवा जो है गर्म आएगा, हवा गर्म आएगा, ठंडा नहीं कर पाएगा। अगर एसी का बेल्ट लूज रहेगा तो हवा गर्म देगा। तो इसको परफेक्ट टाइट होना चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें दूसरी रीज़न और एक रीज़न होते हैं जो कि अगर इसमें एसी में गैस डलते हैं, अगर गैस कम हो गया है या गैस ख़त्म हो गया है तो भी आपको गर्म हवा देगा, ठंडा नहीं करेगा, ना ही गर्म करेगा एसी। एसी को ठंडा करना गर्म करना वो गैस का काम रहता है फ्रेंड्स। अगर आपको का गैस ख़त्म हो गया है तो आपको ना ही ठंडा कर पाएगा ना ही गर्म कर पाएगा।
पाएगा। आपको पहले क्या है कि एसी का गैस डलवाना पड़ेगा, तो और गैस डलवाने से पहले आपको ये फैन बेल्ट चेक कर लेना है। अगर गर्म हवा दे रहा है तो फैन बेल्ट चेक कर लेना है कि क्या हमारे मशीन में, मतलब फैन बेल्ट चेक कर लेना है कि गर्म हवा दे रहा है तो किस रीजन से दे रहा है, और कम दे रहा है तो फिल्टर वगैरह सारे झाड़ लेना है, और फिर भी कम दे रहा है तो फिल्टर वगैरह फ्रेंड्स आपको चेंज डायरेक्ट करवा लेना है, और एसी को परफेक्ट टाइट कर देना है, और एसी को परफेक्ट टाइट कर लेना है तभी आप एसी का आनंद ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे ये इन्फॉर्मेशन, हमारे ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक था, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।